मुझे पता है कि तुम मेरा के बारे में सोच रहे हो, मगर जैनी तुम्हें अब अपनी बहन के मुतालिक ज्यादा सोचना चाहिए। बेटा ईशल तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। जी अम्मी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, एक ही बहन है तुम्हारी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मम्मी क्या मैं लापरवाह हूं? मैं बहुत बुरा हूं शायद, तभी ईशल के साथ ये सब कुछ हुआ। तुम बहुत अच्छे भाई हो, खुद को इल्जाम मत दो। बेटा जो होना था ना वो मेरा और उसकी बहन ने कर दिया है, अब हमें सोचना है कि आगे हमने क्या करना है। मतलब? बस बेटा अब सुबह से जो रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, मैं तो डर के मारे उठा भी नहीं रही हूँ। सब मुझे डर है कि सबने वीडियो देख ली होगी, और ईशल तो बेचारी इतना सहम गई हुई है, मैं तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही और ना ही वो खाना खा रही है। मेरा ख्याल है कि आप हमें जल्दी उसकी शादी कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वो लोग हमारे घर का सुख और चैन खाई जाए। Subscribe to YouTube channel of RTV.